Hello guys, welcome to the amazing world. Today we are going to put light on amazing facts regarding elephants. हाथी दुनिया में सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले स्तनपाई हैं। दो प्रकार के हाथी, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी पाए जाते हैं। अगर आपका सामना कभी जंगल में हाथी से हो जाए और बचाव की कोई उम्मीद ना रहे, तो आपको हाथी से बचने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही किसी चीज़ के पीछे छिपना चाहिए, क्योंकि हाथी के सूंड में इतनी ताकत होती है कि वह एक झटके में पेड़ को उखाड़कर फेंक सकता है। सबसे आसान तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोर करना चाहिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। इससे आपके बचने की उम्मीद कहीं ज़्यादा है। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है। एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है, लेकिन आपको बता दें कि हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार सांस लेते हुए छोड़ते हैं। हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कि कूद नहीं सकता और उस जिसके 4 घुटने होते हैं। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन वह गैंडे और हाथी से कभी भी लड़ना नहीं चाहता है। हर हाथी की गरज भी हम मनुष्यों की आवाज़ की तरह भिन्न होती है। हाल के अध्ययनों से यह पता चला है कि हाथी जिस आवाज़ को सुनते हैं, वह उसकी नकल भी कर सकते हैं। हाथी कभी भी आपस में नहीं लड़ते। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाए, तो सारा झुंड अजीब अजीब तरह से गरज कर शोक मनाता है। हाथी साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और हर रोज नहाते हैं। हाथी अपनी सूंड से एक फर्श पर गिरा छोटा सा सिक्का भी उठा सकते हैं। कई अन्य प्रजातियों की तरह हाथी अपने सूंड से ब्रश को पकड़कर कलाकारी भी करते हैं। हाथी की आंखों की रोशनी कम होती है, लिहाजा वो अपनी सूंड का इस्तेमाल उसी प्रकार करता है जिस तरह एक नेत्रहीन व्यक्ति लकड़ी का। हाथी चलते वक्त सूंड से नीचे की ओर फूंकता है और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है। उससे उसे आगे की राह का अंदाज़ा हो जाता है। हाथी एक बार में अपनी सूंड से करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। वो सूंड से 350 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जरूर जन्म देती है। इसका गर्भकाल औसतन 22 महीने तक का होता है। 1% मामले में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। नवजन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन 112 किलो तक का होता है। हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा उनके कान के पीछे होता है, जिन्हें नूल कहा जाता है। हाथियों को संभालने वाले महंत अपने पैरों का उपयोग करके नूल के जरिए हाथियों को निर्देश देते हैं। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज़्यादा। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सके, इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज़्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। जवान अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक बढ़ जाती है और भारतीय हाथियों की 10 फीट। जवान अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 6,160 किलोग्राम तक होता है और भारतीय हाथियों का 5,000 किलोग्राम तक होता है। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इतना विशाल शरीर होने के बावजूद हाथी दिन भर में करीब 10 से 20 किलोमीटर चलते हैं और सोते सिर्फ 3 से 4 घंटे। खास बात यह है कि हाथी लेट कर नहीं बल्कि खड़े होकर ही सोते हैं। शिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर हाथियों को मार डाला जाना का मुख्य कारण उनके दांत हैं। यद्यपि वैज्ञानिक शोध साबित होते हैं कि हाथी दांत में दंत तंत्र होता है, एक उत्तक जो एक हड्डी के समान होता है, और इसका कोई विशेष प्रभाव या गुण नहीं होता है। एक हाथी की त्वचा इतनी संवेदनशील होती है कि वे इस पर एक मक्खी का बैठना भी महसूस कर सकते हैं। हाथी पुरुषों और महिलाओं के बीच और विभिन्न जातियों के बीच अंतर कर सकते हैं जब वे एक आवाज़ सुनते हैं। हाथियों को शायद ही कभी कैंसर होता है। उनके पास 40 प्रतियां हैं जो कि ट्यूमर शमन प्रोटीन P53 के लिए कोड हैं और इंसानों में 2 होते हैं। एक हाथी के ट्रंक में 40,000 से ज़्यादा मांसपेशियां होती हैं। इसकी तुलना में इंसान के पास कुल 639 मांसपेशियां होती हैं।